दिखाइए। बेहतर है पहले से। पांव दिखाइए, थोड़ा मूव कीजिए ऊपर। ठीक है, बेहतर है, पहले से बेहतर है। हेलो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरा नाम गुल है, मैं एक डिजाइनर हूँ और मेरे साथ आरिफ है, मेरा देवर। देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम हमारा साथ दो। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्लीज कुछ बताओ। आपको क्या बताऊं? यही कि तुम खुदकुशी क्यों करना चाहती थी? आपने क्यों बताया मुझे? मरने देती मुझे? देखो, तुम सारी रात से इस हॉस्पिटल में हो, तुम्हारे घर वाले कितने परेशान होंगे। एक लड़की सारी रात घर से गायब रहे, इसका क्या मतलब है, समझती हो ना? मेरा कोई घर नहीं है, नहीं मेरा कोई है, कोई परेशान नहीं होगा मेरे लिए। ये सिर्फ हमारी सोच होती है, घर का हर फर्द हमें चाहता और प्यार करता है। तुम बताओ, तुम कहाँ रहती हो? और आपसे कह दिया ना, मेरा कोई भी घर नहीं है। अच्छा, तो कोई फोन नंबर ही दे दो। कुछ भी नहीं है, प्लीज आप मुझे दारुल अमान पहुंचा दें। मुसीबत को अपने गले में मत डालो, लेकिन तुम पर तो इंसानियत का बोझ सवार था। हुआ क्या? वो कुछ बता नहीं रही है। अजीब लड़की। बस आरिफ, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये भाभी किस तरह की बातें कर रही हैं? हम उसे हॉस्पिटल वालों के रहमो करम पे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना? अच्छा, तो फिर क्या हम उसे घर ले जाएंगे? तो इसमें हर्जी क्या है? उसे अपने घर ले जाएंगे, जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे घर पहुंचा देंगे। आरिफ, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। आरिफ, मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ जा रहे हो, चलो। नो भाभी, नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना बेहिस नहीं हूँ। आरिफ, आखिर तुम चाहते क्या हो? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा उसे घर ले जाएंगे। अच्छा, तो उसके हमारे घर जाने से जो सवाल उठेंगे उनका जवाब कौन देगा? भाभी, किसी को जवाब देने की जरूरत भी नहीं। तो फिर इतनी जवान जहां लड़की को कहां छुपाएंगे? हम उसे छुपा कब रहे हैं? हम तो सिर्फ उसकी मदद कर रहे हैं, उसे शेल्टर दे रहे हैं। और तैमूर, तैमूर को क्या कहेंगे? तुम जानते नहीं हो उनका गुस्सा कितना तेज है। अरे भाभी, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दे बस। आरिफ, तुमने पहले कभी किसी की मानी है जो अब मानोगे? खैर, मैं बुटीक जा रही हूं, अगर कुछ तय कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है? जी, मेरा नाम आरिफ असद है, मैंने पहले भी आपको अपना इंट्रोडक्शन कराया था। आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। अब आप मेरी गाड़ी के सामने आ जाएंगी तो मैं ही आपको हॉस्पिटल लेके आऊंगा ना? क्यों, मरने देते मुझे? क्यों, आप क्यों मरना चाहती हैं? देखें, जिंदगी तो बहुत प्यारी होती है। मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है,
आप यकीनन घर से लड़ झगड़ के निकली होंगी। देखिए लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इंसान जान से जाए। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए या फिर कोई ऐसा फोन नंबर बताएं जिससे मैं आपके घर पे इत्तला दे सकूं। मेरा कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, ना ही किसी को मेरी जरूरत है। हाँ प्लीज एक नेकी और करें, उसे किसी दारुल अमान पहुंचा दें। दारुल अमान? मगर क्यों? मैंने आपसे कहा ना मेरा कोई घर नहीं है, आप प्लीज मुझे दारुल अमान पहुंचा दें। देखिए ये तो जो अल्लाह की मर्जी, अब कराची के हालात ऐसे हैं तो नहीं कि किसी दारुल अमान में आपको भेजा जाए, और वैसे भी आपकी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आप अपने घर का एड्रेस मुझे नहीं बता देंगी आपको मेरे घर पे रहना होगा। मैं आपके घर में? जी मेरे घर में। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो कल के सारे अखबारात में आपकी तस्वीर के साथ इश्तेहार दे दूंगा कि ये खूबसूरत सी लड़की मुझे रोड से मिली है, जिसकी है ले जाए। जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। हाँ प्लीज सारा का ख्याल रखिएगा। तुम भी अजीब हो बेटा, जैनी का ख्याल रखने के बजाय तुम मुझसे कह रहे हो सारा का ख्याल रखूंगा। लेकिन जैनी का ख्याल तो आप सब रखेंगे, खासतौर पे पापा, लेकिन सारा का ख्याल तो आपको रखना है। डोंट वरी मेजा, आप जानती हैं सारा मेरे लिए क्या है। आई नो यू लव हर, यू नो। क्या सोच रही हैं? बेटा हम मात के बारे में सोच रही हूँ, क्या जवाब दूंगी उसको मैं? ये ख्याल रखा है हमने सारा का? वो ही कहिएगा जो अंकल ने कहा, वरना होमी अंकल को कभी माफ नहीं करेगा। बेटा उनका मंसूबा तो बहुत कच्चा है, होमी जान जाएगा। एक बीवी की वफादारी का सबसे बड़ा गवाह उसका शौहर ही होता है। वो तो एक दूसरे को बहुत पुराना, बहुत पहले से जानते हैं। जब मैं उनकी बातों पे यकीन नहीं कर सकती तो होमी कैसे करेगा? आप एक अनजान लड़की पर एतबार करें। क्यों? ना करूं क्या? आजकल के दौर पे किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। आप जैसी भी हैं मेहमान हैं हमारी। अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ तो? मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि नेकी गले पड़ गई, क्योंकि मैं अपने फैसलों पर पछताता नहीं। सो प्लीज इसे अपना ही घर समझिए और आइए। बारबेक्यू मूवी आ रही है, प्लीज प्लीज प्लीज, न्यू है, कुछ नहीं देखने देते हो। हमजा माहम चाचा आ गए। आप कहाँ थे दो दिन से? अरे पापा काम से गया हुआ था ना। कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ। ये कौन है? ये बीबी है मेरी, कजन। आपकी कजन? फिर तो ये डैडी की भी कजन होंगी, पर मैंने इन्हें पहले देखा नहीं है। अरे बाबा अब ये सवालात आप लोग अपनी मम्मा से करना ना।
ये माहम है, ये हमजा है, बहुत शरीर है, दोनों मुझे जान से बहुत प्यारे हैं, गुल भाभी के बच्चे हैं दोनों, और हम लोग चाचू के फ्रेंड्स हैं। मैं भी साबरा, आप बीबी का कपड़ा तैयार करवा दीजिए, ठीक है? मैं जब पेशावल लेके फ्रेश होके आता हूँ, फिर चाय साथ पीते हैं। दिल चाह रहा है सब कुछ मंगा लूं। बहुत खुश है। हाँ, इतने अरसे बाद अपनों से मिला, कितनी खुशी हो रही है तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम तो मेरा अपना आप हो माँ, अभी तो तुमसे मिलने चला आया, हालांकि इस वक्त मुझे मियाँ जी के पास बैठा होना चाहिए था। अच्छा दानियाल, तुम्हारी बहन कैसी है? ठीक है, सुना है कि शादी हो गई और यहीं कराची में ही रहती है। वाओ, तो फिर तुम उससे मिले? नहीं यार, अभी तो आया हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे, तुम्हारी बहन से मिलने। जरूर, बहुत अच्छी है वो, और तुम देखना जब वो हम दोनों को देखेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। तुम ऑर्डर तो करो, ये लो। सैनी तानिया के साथ सो रही है। एंड सारा एज यूजुअल किचन में होगी। लेट मी गो सी हर। सारा? सारा घर से चली गई है। क्या? जीना दुश्वार सही, जीना दुश्वार सही। अस्सलाम वालेकुम होमी, मेरी जान तुम आ गए? हैरान हो गई है ना? हाँ, तुमने तो कल आना था ना? बस मामा, वो मुझे फ्लाइट मिल गई, काम वहाँ पर कोई था नहीं, मैंने कहा फारिक बैठ के क्या करूँगा। अब 3 दिन से सारा से कोई बात नहीं हुई थी ना, परेशान हो गया था मैं। बाय द वे, ये सारा और जैनी कहाँ पर है? जैनी वो तो दूध पी के सो गई है बेटा। मिल क्या? हाँ, वो सैनी तानिया के साथ सो रही है। एंड सारा एज यूजुअल किचन में होगी। लेट मी गो सी हर। सारा? सारा घर से चली गई है। क्या? मामा, कैसा मजाक है? हाँ बेटा, वो 2 दिन पहले इस घर से चली गई। क्या मतलब है चली गई? कहाँ गई है वो, किसके साथ गई है? और आपने मुझे 2 दिन तक कुछ बताया भी नहीं। हाँ, वो तुम्हारे नाम एक खत छोड़ कर गई है। हाँ प्लीज, मैं नहीं मान सकता, वो मुझे छोड़ के जा सकती है? अब मुझे आप सच से बताएं, आप लोगों ने कहीं उसे घर से तो नहीं निकाला? यू आर ब्लेमिंग अस? मामा, इल्जाम की बात नहीं है, लोगों को वो शुरू दिन से ही पसंद नहीं थी। मैं तुम्हें उसका खत दिखा सकती हूँ। मुझे नहीं किसी खत की जरूरत, मुझे बता सारा कहाँ पर। मामा क्या बात कर रही हो, उसे तो रास्तों का भी नहीं पता था, पता नहीं कहाँ पर होगी सारा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप लोगों ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? I just can't believe it. She has to be here. पापा, कहाँ है सारा? सारा, सारा जैसी नजर आती थी वैसी थी नहीं। क्या मतलब है आपका? बेटे, जो लड़की एक बार घर से भाग जाए वो किसी दूसरी जगह मुश्किल से ही टिकती है। शराफत की जिंदगी और इज्जत की रोटी उसे रास नहीं आती, ऐसी ही थी ये सारा। नहीं पापा, सारा ऐसी नहीं थी, नहीं मान सकता वो मुझे छोड़ के जा सकती। बात करे अपनी मां से पूछ लो, वो तुम्हें बताएगी कि सारा तमाम सेवर और नकदी लेकर यहां से चली गई। कहां? कमजात औरत। पापा मुझे सच सच बताए सारा कहां पर है। सच तो ये है कि मैं
ऑफिस से आया तो सारा घर पे नहीं थी। जैनी अकेली कमरे में रो रही थी। मैं कमरे में गया और मैंने जाकर उसे उठाया और चला गया। यही सच है। Think I'm going to believe your story. तो घर के मुलाजमों से पूछ लो, चौकीदार से तस्दीक करा लो, वो तो सच्चे होंगे ना। You know what, पापा? मुझे अपनी बीवी की गवाही नौकरों से लेने की जरूरत नहीं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि सारा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती और आप गलत कह रहे। तो तुम मुझे झूठा कह रहे हो? फिलहाल तो नहीं कह रहा, लेकिन बहुत जल्द कह दूंगा। शट अप, जस्ट शट अप। तुम एक घटिया औरत के लिए बाप को झूठा कह रहे हो। यू नो व्हाट पापा, आप जितना मर्जी शाउट कर ले, लेकिन मुझे आपकी बात का यकीन नहीं आएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप लोगों ने मुझे ना बताया कि सारा कहां पर है, तो आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व द पुलिस। यू अंडरस्टैंड दैट? शाबाश शाबाश। एक तो तुम्हारी बीवी ने घर से भागकर खानदान की इज्जत उछाली, और बाकी जो बची है वो तुम पुलिस थाने जाकर कसर पूरी करो। जी बिल्कुल, जाओ। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। आप दोनों को मुझे बताना पड़ेगा कि सारा कहां पर। जाओ, गो। यू विल हैव टू टेल मी। जी बेटा, ये मेरी कजन है और अब ये कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। बीबी तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अच्छा, तो आप लोगों ने खाना खा लिया? जी मम्मा, आंटी ने अपने हाथों से हमें खाना खिलाया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो शाबाश, अब सोने की तैयारी करो वरना सुबह तुम लोगों से उठा नहीं जाता। चलो शाबाश, गुड नाइट। गुड नाइट। उठो। बीबी, हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ, और इसी चीज का एहसास करते हुए हम तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं। लेकिन अगर तुम्हारे कोई रिलेटिव्स हो या कोई जानने वाले जिनके पास तुम जाना चाहती हो, तो तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। मेरा मतलब है, तुम्हारे जो भी हालात हो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। तुम कौन हो, कहां से आई हो या कहां जाना चाहती हो, तुम हमें बता सकती हो। अगर मुझे वहां जाना होता तो मैं इस घर से निकलती क्यों? तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहती? मेरी वजह से किसी की जिंदगी खतरे में। अगर मैं वहां चली गई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। कौन है वो? मैं आपको नहीं बता सकती। प्लीज आप मुझे दारुल अमान छोड़ दीजिए। ये भी ठीक है, फिलहाल तुम यहीं रहो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहे और तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें पहुंचा कर आऊंगी। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो साबरा से पूछ लेना, ठीक है? होमी, ये
सारा का खत है बेटा। ये तुम्हारा कमरा है। मुझे साबरा ने बताया था। चलो अच्छी बात है। बीबी, हमने तुम पर बहुत अंधा एतमाद करके तुम्हें इस घर में आने की इजाजत दी है, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी, इससे मुझे डर लगता है। आप परेशान मत हो, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड अब्रॉड होते हैं, मैं सारा दिन बुटीक पर काम करती हूँ, आरिफ ऑफिस चला जाता है, घर में सिर्फ बच्चे, साबरा और चौकीदार होता है। ये भी साबरा ने बताया था। बीबी, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, यहाँ रहोगी तो अपने दुश्मनों की नजर से बची रहोगी। मेरी वजह से आप बहुत परेशान हो गई है ना। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है कभी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे। बस बीबी, प्लीज अब कुछ मत कहना, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। हुँ? और हाँ, देखो मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाना था लेकिन जहन से निकल गया। यही ठीक है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊंगी, बस आज तुम गुजारा करो, या कहती हो तो अपना कोई ड्रेस दे दूं पहनने के लिए। मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब तुम आराम करो, सुबह मुलाकात होती है। ओके, गुड नाइट। मेरी जान, तुम्हारी जिंदगी के खातिर तुम्हारी मां लहरों के दर पर आ पड़ी है। होमी नहीं आया? वो बाद में नाश्ता करेगी। क्यों? बीवी का सोग मना रहा है। वो रात को देर से सोए और वैसे भी वो बहुत डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब तो उसने किया था मुझे, लेकिन उस बद किरदार लड़की के जाने के बाद अब मैं खासा रिलैक्स फील कर रहा हूं। ऐसा तो ना कहे। क्या कह दिया मैंने? जो जैसा है उसको वैसा ही कहा है। अच्छी लड़की होती घर छोड़ के भाग ना जाती। जी, लेकिन उस लड़की में मैंने तो कोई ऐब नहीं देखा। तो गलत कह रहा हूं मैं। मैं देख रहा हूं तुम उस लड़की की कुछ ज्यादा ही फेवर कर रही हो। तुम लोगों को एहसास है कि उसकी वजह से हमारे खानदान की कितनी बदनामी हुई है? लोगों को अब पता चलेगा तो नेकनामी अब भी हमें मिलने वाली नहीं है। बेहतर होता अगर हम उस लड़की को एक्सेप्ट कर ले। पागल हो गए हो तुम दोनों।
हसब नसब भी कोई चीज होती है। अरे नाश्ता तो करती जाए। सारा चली गई। व्हाट? उसकी बेटी जैनी, वो उसको अपने साथ लेके गई है। आई एम श्योर वो उसको अपने साथ लेके गई होगी। जैनी हमारा खून है, बेटी है मेरी। गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक किया। उस जैसी लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। उसने आपसे आपका बेटा छीना था, आपने बदला ले लिया। जीना दुश्वार सही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाभी, परेशान लग रही हैं आप। आरिफ, एक नई मुसीबत तुमने खरीद ली है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तैमूर से क्या कहूंगी मैं। पता है ना वो गुस्से के कितने तेज हैं। कुछ नहीं होता भाभी, और कैसे पता चलेगा उनको? पता कैसे नहीं चलेगा, बच्चे बता देंगे। ऊपर से बेवकूफी ये कर दी तुमने कि बच्चों से कह दिया कि बीबी हमारी कजन है। तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया ना। अच्छा खैर, मैं उनसे ये कह दूंगा कि ये मेरी दोस्त की बहन, समझ आ जाएगी उन्हें ये बात। वैसे नजर तो मजलूम ही आती है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, देखने में तो किसी अच्छे खानदान की लगती है, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं, घर है, बच्चों का मामला है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम चौकीदार से कहना कि वो जरा उस पर नजर रखे। हाँ ये बात तो है। चले, मैं आपके सामने ही कह देता हूँ। समीर, ये जो नई बीबी आई है ना। जी सर। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर घर से बाहर जाने की कोशिश करें तो जाने मत देना, ठीक है? जाओ काम। ठीक है सर। अब आप मुतमईन हो गई? पापा भी अजीब है। कैसे? जैनी से इतनी मोहब्बत करते हैं, हर दम उसे गले से लगाए रखते हैं, और सारा से इतनी नफरत। लेकिन जैनी होमी की भी तो बेटी है, पापा का खून है वो। कुछ भी हो, माँ से इतनी नफरत, पुराना मनाना सजाद। पापा के बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उसे होमी की हालत देखी नहीं चाहती। हर वक्त पापा उसको पद किरदार धुतकारते रहते थे, बुरा भला कहते थे। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता था। मानती हूँ शुरू में मैं भी उसके मुखालिफ थी, लेकिन उसने मेरे दिल में कब घर किया मुझे पता ही नहीं चला। सजाद, उसने मुझे जैनी दे दी, मेरा खालीपन खत्म हो गया, मुझे अपना अकेलापन महसूस ही नहीं होता। आप प्लीज उसे ढूंढने सजाद, जो सब कुछ हुआ उसमें मैं अपने आप को कसूरवार मानती हूँ। क्यों? अगर मैं जिद करके आंटी को अपने भाई की मंगनी पे ना लेके जाती तो शायद ये हादसा ही ना होता। लेकिन जो कुछ नसीब में लिखा होता है वो होके रहता है, तुम क्यों फिक्र करती हो? इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। बुलाया मुझे? जी बैठिए। आपको कुछ कहना था? देखिए, मुझे सच सच बता दें कि आप सुसाइड क्यों करना चाहती?
कभी कभी बंदे को ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी को उसकी जरूरत नहीं है, तो उससे बेहतर होता है कि वो मर जाए। ये तो कोई दलील ना हो। अच्छा आप ये बताइए कि आपने घर क्यों छोड़ा? मैं आपको नहीं बता सकती हूं, अगर मैंने आपको बता दिया तो जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा है उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और अगर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। मैं समझा नहीं। आप ना समझे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है फिर एक काम करते हैं, मैं अखबार में बमा आपकी तस्वीर के एक इश्तिहार दे देता हूं। ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नेट पे आपकी तस्वीर दे देता हूं। नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिएगा, वो बहुत जालिम शख्स है, उसे मार डालेगा। आपसे कह रही हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप मत करिएगा ऐसा। कौन है वो जालिम? मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, प्लीज वो उसे मार डालेगा, आप मत करिएगा ऐसा प्लीज। देखिए देखिए आप रोइए मत प्लीज, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर मैंने आपसे पहले ही कहा था ना मुझे घर मत लेकर आए, किसी दारुल अमान में भेज देते मुझे, क्यों लेकर आए आप? देखिए मैं और भाभी बहुत उलझ गए, हम आपको छुपा के भी नहीं रख सकते और फिर लोगों को क्या बताएंगे। मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। कब तक? तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा प्लीज प्लीज आप रिलैक्स रहिए, रोइए मत, और जब आपको हम पे एतबार हो जाएगा तो आप भाभी को सब कुछ बता दीजिएगा। ओके साहब, नाश्ता आप नीचे करेंगे या ऊपर ही ले आऊं? नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे मैंने नाश्ता नहीं करना। चाय ले आऊं आपके लिए? तो मैं कह रहा हूं मुझे भूख नहीं, मैंने कुछ खाना पीना नहीं है, जाओ यहां से। कैसे हो? ठीक हूँ। काम है तुम्हें? काम होना जरूरी नहीं, तुम्हें काफी दिनों से देखा नहीं था तो मिलने आ गई। देख लिया ना, जाओ यहाँ से। क्या हुआ, बहुत थके हुए लग रहे हो, कॉफी पियोगे? मैं बनाऊँ? Are you going to start it all over again? मैं तुम्हें कहा ना, I'm not feeling well. Just go. मुझे किसी कॉफी की जरूरत नहीं। Why are you showing this arrogance to me? मैं तो कॉफी पिए बगैर नहीं जाऊं। मावा please. मैं बहुत परेशान हूँ, तुम चली जाओ, I request you. परेशान तो तुम काफी दिन से हो। I mean, any problem? ओके ओके, वैसे होमी काफी इल मैनर्ड हो गए हो तुम, कौन कह सकता है तुम्हें देखे कि तुम वेल एजुकेटेड हो? ना कहे कोई, मुझे किसी से अवार्ड नहीं लेना कोई यहाँ पर। होमी कम ऑन, फ्रेंड से डिस्कस करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कह दिया कि मैं आपका दोस्त हूँ? मत कहो, मैं तो खुद को तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ। माँ बाप प्लीज स्टॉप इट,
I'm sure you can see that I'm not well. Just go, please. Uncle, नहीं है. Too much. तुम जानती हो कि पापा इस वक्त ऑफिस में होंगे. ठीक है. मैं उनसे ऑफिस में जाके ही मिल लेती हूँ. At least वो तुमसे अच्छा तो मुझे ट्रीट कर लेते हैं. Suit yourself. अंकल एक बात पूछो. पूछो. मैं कई दिन से नोट कर रही हूँ आपका मूड ठीक नहीं है. कोई बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं. इवन हमाद इतना डिस्टर्ब है आजकल. घर में कुछ हुआ है? नहीं यार, कुछ नहीं हुआ. Everything is all right. ठीक है. तो आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? Come on अंकल, मुझसे शेयर कीजिए. क्या बात है? नहीं नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा. You are like my family. असल बात यह है कि सारा चली गई, घर छोड़ के चली गई. ठीक कहती थी, वो मुझे लड़की नहीं थी. What? Don't tell me. I mean, चली गई घर से छोड़कर. कहाँ चली गई? भाग गई. भाग गई या आपने भगा दिया? क्या मतलब? अच्छा आप छोड़े, घर वालों का रिएक्शन क्या था? Is everything fine now? हाँ, सब आस्ता आस्ता नॉर्मल हो जाएगा. Sure, sure. बहुत अच्छी बात है. और वो क्या नाम था आप? उसकी बेटी जेनी, वो उसको अपने साथ लेके गई है. आई एम श्योर वो उसको अपने साथ लेके गई होगी. जेनी हमारा बेटी है मेरी. हाँ, प्रॉब्लम मुझे सिर्फ सारा से थी. गुड, वेरी गुड. आपने बिल्कुल ठीक किया. उस जैसी लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए था. उसने आपसे आपका बेटा छीना था, आपने बदला ले ली. वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज हो. अंकल आपका फोन बज रहा है, आप फोन अटेंड कीजिए, मैं फिर आती हूँ. मामा, मामा, क्यों चिल्ला रही हो? मामा, अरे अरे अरे, पागल हो गई हो? मामा आज मैं बहुत खुश हूँ. वो तो नजर आ रहा है, आज मेरी बेटी बहुत खुश है. बट रीजन? रीजन ये है कि सलमान साहब ने सारा का हाथ पकड़ के किक आउट कर दिया. व्हाट? But let me tell you guys one thing. सारा को तो मैं ढूंढ निकालूंगा, और अगर वो मुझे मिल गई तो आप मुझे खो देंगे. मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सारा को इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी. कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ. मामा तुम? No, never. देख लो कितने गट्स हैं मुझ में. होमी जब मेरा नहीं हुआ ना, तो मैंने उसको किसी का रहने भी नहीं दिया. बाद में आपके बहुत आसपास हूँ, पर अब मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ. पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया,
धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो सैनी का गला दबा देंगे।